देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आज हम तीन जनों के वजह से यहाँ पर बैठे हैं। एक हमारे आदरणीय मोहन गोयल जी, आप जिलाध्यक्ष हैं। एक हमारे प्रवीण चौधरी जी, हमारे नए मंडलाध्यक्ष बने हैं। और एक हमारे संजीव जी, इससे पहले मंडलाध्यक्ष थे और संगठन के अंदर पोस्ट, ये तो हम पहले से सीखते थे, ये तो दायित्व है। एक दायित्व जब व्यक्ति सीखता रहता है, उसने सीखता रहता है, वो बोलते बोलते, पहले भी आपने बोल दिया, क्लास प्रवीण भाई ने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अरे अभी तो टर्म शुरू ही नहीं हुए, क्लास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बाद क्लास भी तो बढ़ेगी। झरौदा वार्ड के बीजेपी वर्तमान मंडल अध्यक्ष संजीव झा ने नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौधरी को कार्यभार सौंपा। इस मौके पर उत्तरी पूर्वी जिले के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष मोहन गोयल मौजूद रहे और उनके साथ झरौदा की पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा ने जिले के महामंत्री संजय त्यागी, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव खारी और समस्त पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर श्रीमती रेखा सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही पार्टी मजबूत होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई संजीव झा जी, संजीव झा जी ने भी कहा कि जब कार्यकर्ता काम करके जिम्मेवारी से निवृत्त होता है तो उसकी मंजिल शांत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास पद स्थाई नहीं है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, 3 साल बाद तो दूसरा अध्यक्ष आएगा, लेकिन कार्यकर्ता सदैव रहूंगा। तो संजीव झा जी, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। कोई भी जिम्मेदारी आपको देगी, मुझे विश्वास है उसमें आप और बखूबी आगे बढ़ाएंगे। नए अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी, देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।